दोस्तों स्वागत है आप सबका इंडिया फैंटेसी क्रिकेट गुरु यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज जिस साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच में चल रही 5 T20 मैचों का सेकंड मैच रात 11:30 बजे खेला जाएगा, तो हम यहाँ पर बात करेंगे इस मैच के बारे में कि जब दोनों ही टीमें इस मैच को खेलने के लिए मैदान में उतरेंगी तो आपकी फैंटेसी टीम में किस किस प्लेयर को होना चाहिए जिससे कि आप कल के मैचेस की तरह इस मैच में भी लाखों रुपए विन कर सको। कल के मैचेस का आपको पता है, जिस तरीके से श्रीलंका और इंग्लैंड के मैच में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि भाई अगर श्रीलंका पहले बॉलिंग कराए तो आप श्रीलंका के बॉलर्स को टीम में रखना, बैट्समैन को छोड़ देना। तो हमने क्या किया, हमने चमीरा को टीम में लिया और चमीरा ने क्या किया, 4 विकेट लिए। हमने चमीरा को टीम में लिया, लोगों ने लिया कुशाल परेरा को, कुशाल मेंडिस को। अब भाई चमीरा को हमने लिया है तो एक तरफा विन हो गए, कोई आसपास भी नहीं था। जितनी लीग ज्वाइन करी थी सारी की सारी लीग क्लीन स्वीप कर ली और वैसा ही हो रहा है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के पहले T20 मैच में। आपको मैंने क्लियरली बोला था कि भाई डसन को ड्रॉप मत करना, डसन को हमने टीम में लिया, डसन ने 50+ स्कोर किया नो डाउट। लोग किसको ले रहे हैं, लोग मिलर को ले रहे हैं, लोग आपके बहुमा को ले रहे हैं, बट डसन तो किसी के पास नहीं है ना, बहुत कम लोगों के पास है। डसन हमने टीम में लिया और एक तरफा विन कर रहे हैं। तो अगर आपने इस मैच में भी एक तरफा विन करना है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, तो जितने भी भाई लोग वीडियो देख रहे हो सबसे एक रिक्वेस्ट है बस मेरी, इस वीडियो को स्किप मत करना, बीच में मत छोड़ना। 10-12 मिनट का वीडियो है, पूरा देख लीजिए, आपके 10-12 मिनट आपको लाखों रुपए जितवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि गाइस अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो ना तो आप पिछले मैच की तरह तुक्के पे टीम बना लेते हो। अब तुक्के पे टीम तो यार हारती है ना, आपके पास पूरा डेटा नहीं होता है। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कैसे कैसे आपने इस मैच विन करना है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग पूरे वीडियो देखेंगे। और गाइस एक सबसे रिक्वेस्ट है भाई, थोड़ा सा अपने भाई को मोटिवेशन दे दीजिए। आप लोग वीडियो देख रहे हो तो नीचे जो लाइक का बटन है वीडियो के, उसको क्लिक कर दीजिए एक बार। उसमें आपका पैसा नहीं लगता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, बस आपका एक लाइक मुझे बहुत सारा मोटिवेट करता है आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए और अच्छे से अच्छा प्रेडिक्शन करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने लाइक कर दिया होगा। बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई ये इंडिया का सबसे बड़ा फैंटेसी चैनल है, आप सबकी मेहरबानी से तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए ताकि आप तक सारे के सारे मेरे वीडियोस पहुंच सकें और आप इसी तरीके से हमारे साथ अच्छा खासा अमाउंट बिल कर सकें। तो बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में, उम्मीद करता हूं सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो रात को 11:30 बजे मैच खेला जाएगा और मैच खेला जाएगा ये ST George में, ST George यानी कि जहाँ पर पहला T20 खेला जा रहा है उसी ग्राउंड में। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ क्लियरली बताऊंगा कैसे कैसे इस मैच में टीम बनाओगे, लेकिन जो मेरी फाइनल टीम है जिसके साथ मैं खेलता हूँ, जिसके साथ मैं रोजाना लाखों रुपये विन करता हूँ, जिसके साथ मैं पिछले 3-4 साल में 12 से 15 करोड़ रुपये विन कर चुका हूँ, वो टीम मेरी टीम आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर मिलेगी। अब टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करोगे, जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ उन्होंने तो ज्वाइन किया हुआ है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो सुन लीजिए, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाएं लिंक पे क्लिक करें। फैंटेसी क्रिकेट गुरु टेलीग्राम चैनल है, 5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, आप जाकर इसके लिंक ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक से ज्वाइन ना हो तो आप टेलीग्राम ऐप पर सर्च करना @FCG official, आपको चैनल मिल जाएगा, फैंटेसी क्रिकेट गुरु चैनल है, 5,05,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, @FCG official आप सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा। वही एक चैनल ज्वाइन करना जिसमें 5,05,000 सब्सक्राइबर है, फैंटेसी क्रिकेट गुरु, और कोई चैनल ज्वाइन मत कर लेना क्योंकि हमारा सिर्फ एक वही चैनल है जिसमें हम फ्री में टीम देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद जरूर ज्वाइन करेंगे। गाइस ग्राउंड की बात कर रहा था, पहले मैच में बारिश हुई है, इस मैच में बारिश का एक बार फिर से चांस है, थोड़े बहुत बीच बीच में आपको शावर देखने को मिल सकते हैं। बाकी पिच की बात करें तो पहले मैच में आपने देखा है आप स्पिनर्स को भी यहाँ पर हेल्प मिल रही है, जिस तरह से अल्ले ने बॉलिंग कराई है बहुत ही किफायती और 2 विकेट निकाल लिए, तो इस मैच में उम्मीद है कि एक बार फिर से स्पिन गेम में आ सकते हैं, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में। तो यहाँ पर आप जो कॉम्बिनेशन बना रहे हो वो स्पिन और पेसर्स का मिला जुला कॉम्बिनेशन बनाएं, कैसे बनाओगे मैं आपको आगे बता दूंगा। और बाकी यहाँ पर आपको 150-160 के आसपास एवरेज टोटल देखने को ज़रूर मिलेगा। बाकी बात करें माई 11 सर्कल के बारे में, दोस्तों ये इकलौती एक फैंटेसी एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको अपने मन की टीम बनाने का मौका मिलता है, जहाँ पर आपको क्रेडिट का कोई इशू नहीं है, जहाँ पर आप एक बॉलर के साथ भी टीम बना सकते हो, जहाँ पर आप बिना बॉलर के साथ भी टीम बना सकते हो, जहाँ पर आप एक बैट्समैन के साथ भी टीम बना सकते हो, यानी कि जो आपका मन करता है वो टीम बनाइए, जिस प्लेयर को लेने का आपको मन करता है उस प्लेयर को लीजिए और अच्छा खासा अमाउंट विन कर लीजिए। यहाँ पर जितना कॉम्पिटिशन अभी इस वक्त है ना, वो ड्रीम इलेवन पर कभी नहीं था, यहाँ पर कॉम्पिटिशन है ही नहीं भाई। आप जाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है बैलेंस रखकर का, आप लिंक पे जाकर के साइनअप कर लीजिएगा। अगर आप मेरे लिंक से साइनअप करते हो जो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में, तो आपको एक और बेनिफिट मिल जाता है, आपको 1500 का फ्री बोनस मिल जाता है अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद साइनअप करते हो। साथ में पहला डिपॉजिट करने पर आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिल जाता है, एक्स्ट्रा कैश मतलब रियल मनी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप साइनअप कर लीजिएगा। यहाँ पर अभी आने वाले टूर्नामेंट्स में आप 1 रुपये में 1 करोड़ भी देखोगे और यहाँ पर आप
पांच गुना कैश भी देखोगे हेड टू हेड में, और यहाँ पर आप लीडर बोर्ड में 1 करोड़ भी देखोगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर साइन अप करोगे। बाकी वेन स्टेट्स की बात करें तो एक ही मैच यहाँ पर खेला गया पिछले T20 से पहले, जो आयरलैंड की टीम ने जीता था 200+ बनाते हुए, और CPL के 3 मैचेस खेले गए, 3 के 3 सेकंड बैट वाली टीम ने जीते। अब गाइस आखिरी के 4 मैच आप देखिए, जो पिछला मैच खेला गया था 2020 में आयरलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में, इसमें आयरलैंड की टीम ने बड़ा टोटल बनाया 208 का और वेस्ट इंडीज को 4 रन से हरा दिया था। इस मैच में पेसर्स को मिले थे 9 विकेट, स्पिनर्स को मिले थे 5 विकेट। ठीक है, अब उसके पहले जो यहाँ पर मैच खेला गया था वो CPL का मैच खेला गया था और 2014 में, यानी कि बहुत पहले। तो सिर्फ हम इस मैच को देखेंगे और कल वाला जो मैच खेला जा रहा है पहला मैच उसको देखेंगे। अब गाइस बात करें टोटल 4 मैचेस में जो विकेट गिरे हैं, पेसर्स को मिले 32, स्पिनर्स को मिले 12। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी तक पेसर्स का थोड़ा जलवा रहा है, बट पिछले मैच में कुछ अलग चीजें दिख रही थी। अब गाइस आ गया आपका फेवरेट यानी कि फ्री गिवअवे। इसमें मैं आपसे सिंपल सिंपल 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप दोनों क्वेश्चन का सही आंसर करते हो वीडियो को लाइक करते हुए तो आपको फ्री में 50,000 मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आज क्रिस गेल कितना स्कोर बनाएंगे, आप थोड़ा माइंड दौड़ाइए क्रिस गेल कैसे प्लेयर है, कितना स्कोर कर सकते हैं, और उसके बाद आंसर कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। लेकिन आंसर करने से पहले आप सेकंड क्वेश्चन भी सुन लीजिएगा जो आगे आएगा। तो दोनों क्वेश्चन को सुनने के बाद आप एक ही कमेंट में ये हैशटैग यूज करते हुए आंसर नंबर 1 आंसर नंबर 2 करते हुए आप आंसर कर दीजिएगा। हेड टू हेड में साउथ अफ्रीका की टीम ने 6 जीते, वेस्ट इंडीज टीम ने 4 जीते हैं। और बाकी बात करें यहाँ पर आखिरी के मैचेस की जो हेड टू हेड में खेले गए हैं, पिछला मैच 2016 में यानी कि 5 साल पहले खेला गया था और वेस्ट इंडीज की टीम ने 3 विकेट जीता था। इसमें रसेल ने 2, गेल ने 2, ब्रोवर ने 2 विकेट लिए थे। इधर से रबाड़ा और डिकॉक टॉप परफॉर्मर रहे थे। गाइस ये मैच था वर्ल्ड कप का जो वेस्ट इंडीज ने जीता था। इसके पहले 2015 में खेले गए ये मैच साउथ अफ्रीका ने जीता 69 रन से। इसमें हैंड्रिक्स ने बनाया 42 रन, इधर से सिमंस 49, पोलार्ड 20 रन, 1 विकेट और आपकी ब्रोवर 1 विकेट। उसके पहले फिर 2015 में खेला गया ये मैच वेस्ट इंडीज ने जीता। इसमें मिलर 47, गैल 90, गैल 77, मतलब गैल परफॉर्म कर रहे थे उस सीरीज में। रसेल, होल्डर, ब्रोवो और इधर आपके होल्डर और रसेल यही परफॉर्म कर रहे थे लगातार। इधर मिलर फिर आपके 24 रन। अब गाइस बात कर लेते हैं स्क्वाड के बारे में। आपको बताया T20 को IPL में अच्छी फॉर्म में थे, इस सीरीज में भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हैनरिक क्लासन इस सीरीज में जूझ रहे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट भी पहले T20 मैच में, अच्छा स्कोर करने के बाद आखिर में जूझ रहे थे, वैसे ही कल भी जूझ रहे हैं। और आपके डेविड मिलर कल भी जूझ रहे थे, सिर्फ 9 रन बना पाए। अब उसके बाद डसन, जैसा डसन पाकिस्तान के अगेंस्ट फॉर्म में थे वैसा ही बंदा कल भी फॉर्म में था, 50+ स्कोर किया, नो डाउट पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा स्कोर कर रहा था, कल भी किया है और उम्मीद है आगे भी करेगा। रेजा हैंड्रिक्स कल टच में नजर आ रहे थे और इसके पहले डोमेस्टिक में अच्छा खासा खेल के आ रहे हैं, तो रेजा हैंड्रिक्स आपकी टीम में बन सकते हैं खासतौर पर ग्रैंड लीग की टीम में। उसके बाद आपके बहुमा है, बहुमा कल ठीक खेल रहे थे बट एलन को मारने के चक्कर में आउट हो गए। उसके बाद आपके पहले क्वायर खेले नहीं है और डैन प्रिटोरियस, मलन और जॉर्ज लिंडे तो खेले हैं और जॉर्ज लिंडे शायद इस मैच में खेल सकते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट इनको एक मैच में 3 विकेट मिले थे, बाकी उसके अलावा इनको विकेट नहीं मिला था। ठीक है, उसके बाद मुल्डर है, कैगिसो रबाड़ा से आप सभी वाकिफ हो, एनरिक लॉरेंस आप सभी वाकिफ हो, और उसके बाद आप देखोगे तबरेज शमसी पाकिस्तान के अगेंस्ट 4 मैच में 4 विकेट निकाले, लुंगी अनगिड़ी IPL खेल के आ रहे हैं 3 मैच में 5 विकेट निकाले। अब गाइस बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं होगा अगर रिजल्ट में इधर उधर नहीं होता है तो। बैटिंग ठीक है, बैटिंग में तो कोई चेंज होगा नहीं, बाकी बॉलिंग में देखते हैं सेकंड इनिंग के बाद क्या होता है। अभी तक मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 होनी चाहिए डिकॉक, रिजा हैंड्रिक, टेम्पा वोमर, डसन, मिलर, हैंड्रिक क्लासन, कैगिसो रबाड़ा, जॉर्ज लिंडे, एनरिक लॉरेंस, तबरेज शमसी और लुंगी अनगिड़ी, यानी कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज होएगा तो बॉलिंग में हो सकता है, बाकी बॉलिंग इनकी मजबूत है। अगर एकमात्र चेंज हो सकता है जॉर्ज लिंडे की जगह पर ये ला सकते हैं एंडले को, अगर जॉर्ज लिंडे को मार पड़ती है तो एंडले को खिला सकते हैं। तो ये टीम है। अब इसमें से आपके टीम में किस किस प्लेयर को होना चाहिए, मैं डिकॉक और उसके बाद रिजा हैंड्रिक्स, उसके बाद डसन, इन 3 प्लेयर को एक बार फिर से प्रिफेयर करूंगा सेकंड मैच में भी। बॉलिंग में मैं एनरिक नॉर्जिया और लुंगी एनगिडी, तबरेज शमसी और जॉर्ज लिंडे में से कोई एक, एनरिक नॉर्जिया और कैगिसो रबाड़ा, जॉर्ज लिंडे और तबरेज शमसी में से कोई एक, लुंगी एनगिडी अगर इस मैच में विकेट निकालते हैं तब भी मैं सेकंड मैच में इनको नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से कैगिसो रबाड़ा और एनरिक नॉर्जिया ज्यादा अच्छे बॉलर हैं और एक स्पिनर भी आपके पास इस पिच पर होना चाहिए जो कि तबरेज शमसी और लिंडे में से कोई एक हो सकता है अगर लिंडे खेलते हैं तो। अब गाइस बात करें हम यहाँ पर आगे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के बारे में, तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स आप देखिए, वेस्ट इंडीज का जो स्क्वाड है उसमें निकोलस पोरन IPL में बहुत ही खराब फॉर्म में थे, अभी देखते हैं इस सीरीज में क्या करते हैं। पहला मैच चल रहा है, फर्स्ट इनिंग हो चुकी है, सेकंड इनिंग में आएंगे बैटिंग करने के लिए, देखेंगे क्या होगा। फ्लेचर BBL में खेल के आ रहे थे, एक मैच में 89 बनाए थे, बाकी सब में फ्लॉप, और आज देखते हैं क्या करते हैं। उस बाद क्रिस गेल का भी यही है, विल लेविस का भी यही है, तो ये खेले सारे के सारे पहले मैच में,
आपके पास लैंडी सिमंस पहले मैच में नहीं खेले, किरण पोलार्ड खेल रहे हैं पहले मैच में और बॉलिंग नहीं कराई है, शायद सेकंड मैच में भी ना कराएं बॉलिंग। रसेल ने पहले मैच में एक विकेट निकाला है, अभी बैटिंग आनी बाकी है। जैसन होल्डर ने पहले मैच में एक विकेट निकाला, अभी बैटिंग आनी बाकी है। एलन ने दो विकेट निकाले और सेकंड मैच भी अच्छे आपके लिए हो सकते हैं। इस तरह से परेशान हो रहे हैं साउथ अफ्रीका के बैट्समैन इनके सामने, तो एलन को आप सेकंड मैच में भी ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जिस तरीके से ये परेशान कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को। डीजे ब्रावो ने दो विकेट निकाले पहले मैच में, उसके बाद एडवर्ड है, ओशान थॉमस है, उसके बाद अकील हुसैन है, ओबेद मैकी, ओबेद मैकी को एक भी विकेट नहीं मिला है पहले T20 मैच में, शायद इनको ड्रॉप किया जा सकता है। अब उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर वास और केविन पता नहीं क्यों खिलाते हैं यार केविन को, ये केविन कुछ खास करता नहीं है, कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। श्रीलंका के अगेंस्ट तीन मैच में दो विकेट निकाले। अब प्लेइंग 11 देखो तो लेविस फ्लेचर और किस कैलियन के टॉप थ्री होंगे। अब इसमें एक ही चेंज हो सकता है कि ये फ्लेचर की जगह पर सिमंस को ला सकते हैं। उसके बाद निकोलस पून, किरण पोलार्ड, आपके अंदर सेल, जैसन होल्डर, डीजे ब्रावो, एलन, ओबेद मैकी, केविन, तो ये इनकी प्लेइंग 11 इस मैच में होनी चाहिए। अगर मैच जीतते हैं तो मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं होगा, अगर हारते हैं तो चेंज हो सकता है, केविन को ड्रॉप कर सकते हैं। इधर अगर फ्लेचर परफॉर्म नहीं करते, अभी तक इनकी बैटिंग आई नहीं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये परफॉर्म नहीं करते हैं तो सिमंस आ सकते हैं, अगर परफॉर्म करते हैं तो इनकी जगह बनी रहेगी। तो ये प्लेइंग 11 है। अब इस टीम में से मेरी टीम में किस किस प्लेयर को होना चाहिए, देखो तो पहले मैच में अनफॉर्चुनेटली बोलता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी दोनों ओपनर्स को ड्रॉप नहीं करता, पहले मैच में अनफॉर्चुनेटली मैंने दोनों ओपनर्स को ड्रॉप कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है भाई, ये इसी चीज़ से हार सकता हूँ इस मैच में मैं। हालांकि सभी लोगों के पास दोनों प्लेयर नहीं है, किसी के पास लेविस हैं, किसी के पास फ्लेचर हैं और किसी के पास दोनों ही नहीं है। एक आध लीग हार सकता हूँ अगर इनमें से कोई एक परफॉर्म करता है तो, बाकी सारी की सारी फिर भी विन करूंगा। क्रिस गेल है, निकोलस पुरन है, ये मेरी टीम में होंगे और ओपनर्स में से कोई एक ओपनर होगा। उसके बाद मेरी टीम में अंद्रेस हेल, जैसन होल्डर और इधर से एलन या डीजे ब्रावो, इनमें से कोई एक होगा। स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ भाई, ग्रैंड लीग में आपको थोड़ा सा रिस्क लेना होता है। लाइक अगर ये आज फ्लॉप होते हैं या ये आज फ्लॉप होते हैं, जो आज फ्लॉप हो रहा है उसको ट्राई कर लीजिएगा। मैंने कल आपको बोला था कि मलन पहले दो मैच में फ्लॉप हो चुका है, तीसरे मैच में कैप्टन बना देना, जिन्होंने कैप्टन बनाया ग्रैंड लीग विन कर ली। तो वैसे ही होता है, जो प्लेयर थोड़ा सा फ्लॉप हो जाता है लोग उस पर भरोसा दिखाना बंद कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है, एक बंदा 3-4 इनिंग्स में लगातार फ्लॉप होने के बाद चौथे मैच में शतक मार देता है और इन सबके पास इतनी काबिलियत है कि किसी भी मैच को फाड़ सकते हैं, किसी भी मैच को एक तरफा विन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी प्लेइंग 11। अब ग्रैंड लीग में आपको किस किस प्लेयर को लेना है ये मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब गाइस आपका आगे सेकंड क्वेश्चन कि आज डीको कितने पॉइंट देंगे माइलन सर्कल पे। अब माइलन सर्कल पे तो सभी वाकिफ हो ना भाई, कौन सी एप्लीकेशन है, कैसी एप्लीकेशन है। माइलन सर्कल एकमात्र ऐसी फैंटेसी एप्लीकेशन है जो आपको फर्स्ट रैंक पे आने पे 1 करोड़ रुपए दे रही है। हालांकि इस सीरीज में नहीं है, नेक्स्ट सीरीज में आपको फिर से 1 करोड़ मिल सकते हैं फर्स्ट रैंक पे आने को, और लीडर बोर्ड में फर्स्ट रैंक पे आने पे आपको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं और 1 रुपए में आपको 1 करोड़ रुपए देते हैं। आपको हेड टू हेड में विन करने पर 5 गुना कैश देते हैं। मतलब एकमात्र ऐसी फैंटेसी एप्लीकेशन है जो पैसा फेंकती है। तो अगर आपने अभी तक साइनअप नहीं किया, साइनअप करके आप पॉइंट सिस्टम थोड़ा सा माइंड में बिठा करके आंसर कर दीजिएगा कि डीकॉक इस मैच में माइलन सर्कल पर कितने पॉइंट देंगे। अब ये दोनों क्वेश्चन आप इस फॉर्मेट में आंसर करिएगा, ये हैशटैग यूज करते हुए, और वीडियो को लाइक करना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो नीचे लाइक का बटन दबा करके आप आंसर कर दीजिएगा। अब गाइस हम यहाँ पर देखें, इस वक्त जो मैंने फिलहाल टीम बनाई हुई है माइलन सर्कल की, उसमें मैंने दोनों विकेट कीपर्स को लिया हुआ है, निकोलस पोरन, क्विंटन डीकॉक। मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, निकोलस की यहाँ पर किसी एक ओपनर को ले सकता हूँ, या फिर अगर ये टीम फिर से चेंज करती है वेस्ट इंडीज की टीम, तो मैं गैल को ड्रॉप करके एक ओपनर को टीम में रख लूंगा, क्योंकि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है खुद का। गैल सेकेंड इनिंग में रेगुलर परफॉर्म नहीं करता है, 3 मैच में फ्लॉप होएगा तो 1 में परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसमें से मैं गैल को छोड़ करके एक ऑपनर के साथ जा सकता हूँ। इधर आप देखोगे बाकी मेरी टीम में कोई चेंज शायद होने वाला नहीं है, अगर कोई चेंज होएगा तो मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। ठीक है, तो जो मेरी फाइनल टीम होती है आप सबको बताए वो टेलीग्राम पर मिलती है। अगर आपने अभी भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, फैंटेसी क्रिकेट गुरु टेलीग्राम का लिंक है, आप लिंक पर जाएं, क्लिक करें और ज्वाइन कर लें। अगर लिंक से ज्वाइन ना हो तो भाई सर्च कर लेना टेलीग्राम पर @FCGofficial, आपको चैनल मिल जाएगा। 5,05,000 वाला चैनल है, वही ज्वाइन करना, उसके अलावा ज्वाइन मत कर लेना, बाकी और चैनल सारे फ्रॉड हैं उस एक चैनल के अलावा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, बाकी लाइक करें और जाएं टेलीग्राम ज्वाइन करें, और जिसने माइलन सर्कल इंस्टॉल नहीं किया इंस्टॉल करके साइनअप कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।